Paranormal Files Case 3. Location Turkey. ये वाक्य मुझे मेरे एक फॉलोवर ने भेजा है जो कि एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी एंड डेफिनेटली उनका मूड बहुत जो है हैपनिंग था, बहुत वो खुश थी कि वीकेंड आया है एंड यू नो आई हैव अ वेरी गुड टाइम विद माय फ्रेंड्स. लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि उसी रात उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और फिर आइंदा वो इस घर में कभी वापस नहीं गए. हुआ कुछ यूँ कि वो अपने आईने के सामने खड़े होके अपने मेकअप को लास्ट टचेस दे रही थी. शी वॉज हमिंग अ ट्यून एंड शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस. एकदम उन्हें फील हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है और जब उन्होंने यूँ पीछे मुड़ के देखा वहाँ कोई नहीं था. उन्होंने समझा कि उनका वहम है और वो फिर से जो है अपना मेकअप करने में बिज़ी हो गई. थोड़ी देर बाद उनको फिर से ये फीलिंग हुई कि जैसे बिल्कुल उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है. और इस दफ़ा ये जो फीलिंग थी ये बहुत ज़्यादा क्लियर थी. उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा और उनको कोई नज़र नहीं आया. बाय दिस टाइम शी हैड बिकम वेरी अनईजी और उनकी एक अंदर से आवाज़ आई कि तुम जितनी जल्दी इस जगह से जा सकती हो जाओ. उन्होंने अपना जल्दी से पर्स पकड़ा, गाड़ी की चाबियां पकड़ी और लिटरली वो नीचे भागी हैं स्टेज से और जाके अपनी गाड़ी में बैठ गई जहाँ से उनके रूम की विंडो नज़र आ रही थी. और आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि जैसी वो गाड़ी में जाके बैठी और उन्होंने ऐसे नज़र उठा के ऊपर देखा, उसी खिड़की में एक अजीब व गरीब आदमी उनको खड़े हुए देख रहा था. और उसकी शक्ल इतनी अजीब थी, उसकी शक्ल पे इतना एक ईवलनेस थी और वो एक अजीब से स्टाइल में, तंजिया से स्टाइल में हंस रहा था या स्माइल दे रहा था. एक मिनट के लिए वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गई एंड यू नो बिल्कुल एक सकते में चली गई. और वो जो आदमी था वो उन्हीं के घर की खिड़की से उनको देखता रहा कंटिन्यूस. फिर जब उनको थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने अपनी गाड़ी फौरन स्टार्ट की और वहाँ से निकल गई. फिर अपनी फ्रेंड्स के पास गई, उनको सारा उन्होंने ये वाकया बताया. उन्होंने कहा कि प्लीज़ डोंट से कि ये मेरा वहम है क्योंकि मैंने वॉट एवर क्रीचर वॉज देयर मैंने इसकी सांस को अपने बिल्कुल पीछे फील भी किया. उसके बाद उन्होंने वो घर या वो जो अपार्टमेंट था या जो रूम था वो चेंज कर लिया. लेकिन वो इतना डर गई थी कि उन्होंने मूवर्स को भेज के सारा अपना फर्नीचर पैक कराया एंड देन इट वाज डिलीवर्ड टू हर न्यू रूम. और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मुझे आज तक वो जो भी चीज़ थी जो कि उनकी खिड़की में खड़ी हुई थी, कहती हैं कि मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक झुरझुरी सी आ जाती है कि मैंने इसी चीज़ को अभी बिल्कुल कुछ मिनट पहले अपने पीछे फील किया था. और जो सेकंड बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारी लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है, हमारे पास अक्सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस देखने का टाइम नहीं होता. तो आई हैव डिसाइडेड कि जो बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन वाली शॉर्ट फिल्म्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, रिकमेंड करूंगी, विच यू कैन वॉच इन मैक्सिमम 15 to 20 minutes. और वो आपको डराएंगी भी और आपको सस्पेंस में भी रखेंगी एंड दे वुड ऑल हैव अ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड. तो आज जो शॉर्ट स्टोरी का मैं आपसे जिक्र करना चाहती हूँ वो है रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट और इट्स एन इंडियन शॉर्ट फिल्म और इसका नाम है मनोरंजन. बेसिकली ये एक इनोसेंट सी या एक टिपिकल हाउसवाइफ की कहानी है जिसका सारा दिन घर के काम गुजरते करते हुए और खाना बनाते हुए
अपने इन लॉज का ख्याल करते हुए गुजरता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में कि वो अपनी एक बहुत डार्क और ईविल साइड शो करती है टू गेट व्हाट शी वांट। मैं इसका लिंक नीचे छोड़ूंगी बॉक्स में, आप प्लीज़ देखें। एंड वेन एवर यू आर फीलिंग बोर्ड यू कैन वॉच मनोरंजन। तीसरी बात, मेरी नज़र से एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना गुज़रा, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन गुज़री। अक्सर मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको कहती रहती हूँ कि प्रेयर्स जो हमारी इबादत होती है, चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हों, प्रेयर्स जो हैं वो हमारी ढाल हैं या वो हमारी शील्ड हैं। तो मैं एड एंड लॉरेन वॉरन, जो कि आपको पता है कि टॉप नॉच पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके बारे में मैं पढ़ रही थी। तो उनसे किसी ने पूछा है कि आपने बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल क्रीचर्स का एनकाउंटर किया है, आपने उनको फील किया है, आपने पोजेशंस लोगों पे होते हुए देखी हैं, तो व्हाट इज़ वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग, या आपको डर क्यों नहीं लगता, या आपने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ एक पैरानॉर्मल बीइंग्स के बीच में गुजार दी। एवरी केस इज़ डिफरेंट, सिनिस्टर, मोर सिनिस्टर देन द अदर। तो उन्होंने ये आंसर दिया कि यू नो वी हैव वन वेपन एंड अगेन दैट इज़ आर फेथ एंड आर प्रेयर्स। वी आर बोथ वेरी डिवोटेड टू द चर्च एंड वी प्रे रेगुलरली, और हमने फील किया है कि दैट जब हम अपनी प्रेयर्स करके किसी भी पैरानॉर्मल केस को हैंडल करने जाते हैं, स्पेशली इफ़ इट्स अ डिमोनिक पोजेशन, किसी पे अगर जिन्नात का कब्ज़ा है और अगर हमने अपनी प्रेयर्स की हुई होती हैं, तो डिमोनिक पोजेशन जो है वो वीक हो जाती है, उसको हमारा मुकाबला करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड के नेवर फेयर द अननोन, जस्ट कीप योर फेथ एंड योर प्रेयर्स स्ट्रॉन्ग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।